रेल लाइन को लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अभिषेक राणा ने सांसद अनुराग ठाकुर और उनके पिता पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल पर सत्ता में रहते हुए रेल लाइन के नाम पर प्रदेशवासियों को छलने का आरोप लगाया है, जिस पर अब राजनीति गर्मा गई है और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी अभिषेक राणा को दो टूक शब्दों में कहा कि अभिषेक राणा छोटे हैं और जानकारी का अभाव है। ठाकुर ने कहा कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा करते हैं तो छोटे नेता भी ऐसा ही करेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव अभिषेक राणा ने कहा कि 27 जून 1999 में तत्कालीन सीएम धूमल के समय में कालका एवं परमाणु के बीच 5 किलोमीटर रेल लाइन का शिलान्यास किया गया था, लेकिन आज तक वह नहीं बन पाया। वहीं अब सांसद अनुराग ठाकुर भी हमीरपुर तक रेल लाइन पहुंचाने के झूठे सपने दिखा रहे हैं, जो कि केवल मात्र चुनावों के आते ही जनता को लुभाने का स्टंट है। 27 जून 1999 में उस समय के मुख्यमंत्री माननीय सम्मान्य प्रेम कुमार धूमल जी, उस समय के रेलवे मिनिस्टर माननीय सम्मान्य नीतीश कुमार जी, जिन्होंने परमाणु में रेल ब्रॉडगेज का शिलान्यास किया, जो जिसकी लागत 30 करोड़ की थी और 5 किलोमीटर का था। तो 1999 से 2019 आने वाला है, 20 साल में अभी तक जो है 5 किलोमीटर वो ब्रॉडगेज नहीं बन पाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर हफ्ते भारतीय जनता पार्टी और माननीय सम्मान्य हमारे सांसद ये टिप्पणियां देते रहते हैं कि दिवाली के आसपास जो है वो शिलान्यास हो जाएगा। एक शिलान्यास 1999 में हुआ था लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उसी प्रकार से हमारे सांसद जो हैं वो दोबारा से रणनीति बना रहे हैं कि एक बार फिर से चुनाव नजदीक आ गया है तो लोगों की आंखों में धूल झोंक दिया जाए। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने युवा कांग्रेस के सचिव अभिषेक राणा के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ही जानकारी के अभाव में रहते हैं तो उनके छोटे नेता भी रहेंगे। ठाकुर ने कहा कि अभिषेक को पढ़ाई करनी चाहिए ताकि झूठे आरोपों को लगाने से पहले जानकारी जुटा लें। कांग्रेस तो सदा विकास का विरोध करती रही और कांग्रेस अब भी करेगी। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही गलत जानकारी के कारण देश को गुमराह करते हैं तो कांग्रेस के बच्चे तो गलती करेंगे ही, और बच्चे इस तरह से भ्रमित भी करेंगे। इसलिए उनको पहले जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र में 10 साल उनकी सरकार थी, राज्य में 5 साल उनकी सरकार थी, जिनके कारण सारे प्रोजेक्ट विलंब हुए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जमीन की प्रॉब्लम कांग्रेस की देन है। एम्स, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका विलंब होना कांग्रेस के 5 वर्षों की देन है। यहां तक कि माननीय वीरभद्र जी, जब पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने तो आम्बिंदौरा का रेलवे स्टेशन का उद्घाटन रुकवाने तक का काम किया। छोटे हैं, अभी इनको जानकारियों का अभाव है, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है पढ़ाई कर लेनी चाहिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा करते हैं तो छोटे तो ऐसा करेंगे ही।